नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नोलकी में। साथियों, आज की शुरू में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे पशु को तांते के माध्यम से, डिस्चार्ज के माध्यम से कैसे पहचाने कि हमारा पशु गाभिन हुआ भी है या नहीं। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई, जो यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो, कमल जाजरा नाम से आईडी बनी हुई है, इनका कहना है कि सर हमारी गाय पानी जैसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है हमारी गाय के, तो क्या वह गाभिन ठहर गई है या नहीं। तो देखिए, ऐसी जो संभावनाएं होती है वह आपके मन में भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि जब आप एआई करवाते हैं अपने पशु की या फिर सांड के माध्यम से क्रॉस करवाते हैं, तो आपके मन में भी यह शंका बनी रहती है, क्योंकि यह मामले काफी ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि पशु बार बार रिपीट होता है। तो हम पहचाने कैसे कि आखिर हमारा जो पशु है वह प्रेग्नेंट हो चुका है और अब हमें एक प्रेग्नेंट पशु के तरीके से हमारे पशु की देखभाल करनी है। तो देखिए, तांते के माध्यम से अगर हम बात करें तो पशु ब्याने के बाद जब उसकी साइकिल बनती है दोबारा से हीट में आने की, तो वह तकरीबन 2 महीने के भीतर भीतर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश वह थोड़ा ज़्यादा समय भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब साइकिल शुरू हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 21 दिनों के भीतर भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है। और आप जब एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद अगर गाभिन नहीं ठहरा है तो 21 दिन बाद, तकरीबन 21 दिन, कई पशु है वो 2-4 दिन पहले आते हैं, कई पशु 2-4 दिन लेट भी आ सकते हैं हीट के अंदर। और किसी पशु में हीट है वो ज्यादा समय तक रहती है और किसी पशु में हीट है वो थोड़े समय के लिए रहती है। कोई कोई पशु है वो साइलेंट हीट दिखाता है और कई पशु है वो खुलकर हीट में आते हैं। तो ये तो आपके पशु के नेचर पर बात है कि आपका पशु की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है, उसने पहले जो बच्चा दिया था वो किस प्रकार की हीट थी और कैसे आपने एआई करवाया या क्रॉस करवाया, वह तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन साथियों, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो आपका पशु एआई करवाने के बाद तकरीबन 3-4 दिनों के भीतर भीतर अगर गाढ़ा डिस्चार्ज दिखाई दे आपको, बिल्कुल दही जैसा, तो आपको समझना है कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया है। लेकिन देखिए, जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में देखिए इस गाय का डिस्चार्ज, यह डिस्चार्ज अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा पारदर्शी दिखाई दे रहा है, लेकिन और गौर से देखेंगे ना आप तो इसमें देखिए सफेद सफेद एकदम दही जैसी है, जो कि छोटी छोटी जो गांठें हैं वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है गाय प्रेग्नेंट है। तो देखिए, एकदम जो पारदर्शी डिस्चार्ज होगा उसमें नीचे की जमीन भी आपको साफ दिखाई देगी और साथ ही साथ उसमें सफेद बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम पानी जैसा पतला पारदर्शी होगा। वह अगर डिस्चार्ज होगा तो उसका मतलब आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो आप डिस्चार्ज से यह पता जरूर लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी गाय ने दोबारा हिट नहीं दिखाई है, न कोई डिस्चार्ज दिखाई दिया आपको, न पशु रंभाया है और न किसी प्रकार की पशु ने हरकत की है, जैसे दूसरे पशु पर चढ़ना या दूसरे पशु को सूंघना बार बार या किसी तरीके से अन्य पशु को परेशान करना या फिर मतलब भाग जाना, ये सी जो प्रक्रिया है अगर नहीं दिखाई दी आपके पशु के अंदर, तो आपका पशु 100% ठहर गया है। इसके साथ साथ ही आपका जो पशु है उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सरल स्वभाव की हो जाएगी, उसका जो हाव भाव है वो नॉर्मल होगा और पशु थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए अपना वेट है वो बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आप पहचान कर सकते हो कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो गया है। अगर हम सिर्फ तांते की बात करें, कमल भाई ने यहाँ पे लिखा कि सर हमारी गाय बिल्कुल पानी जैसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है हमें, तो देखिए पानी जैसा अगर डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है आपको तो आपको दोबारा से एआई करवाने की जरूरत है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर एआई करवाएं ताकि आपका पशु है वो गाभिन हो जाए। तो आई होप इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के तांते से आपका पशु प्रेग्नेंट होगा और किस प्रकार के तांते से नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल पर नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।